बिल्कुल पूजा, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं कांग्रेस के खेमे में काफी खुशी उत्साह का माहौल। और डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, निकाय चुनाव में कई जगह गए थे, बड़ी मेहनत की कांग्रेस के नेताओं ने और परिणाम अब सामने आ रहे हैं। सर, जो पलड़ा दिख रहा है वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में? देखिए, जो फैसले कांग्रेस की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में किए हैं पिछले 11 महीने में, ये उनका प्रतिफल है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से जो हमने वायदे किए जन घोषणा पत्र के माध्यम से, सरकार ने एक के बाद एक उन वायदों को गंभीरतापूर्वक पूरा करने का कदम उठाए हैं। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र के हों, चाहे किसानों के क्षेत्र के हों, चाहे नौजवान जो बेरोजगार हमारे युवक युवतियां हैं उनके संदर्भ में हो, सबसे बड़ा फैसला 10% आरक्षण लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। लेकिन राइडर इतने लगा दिए, शर्तें इतनी लगा दी, किसी का सर्टिफिकेट ही नहीं बन सकता, और जब सर्टिफिकेट नहीं बन सकता तो उसका लाभ उनको मिल नहीं सकता। तो ये मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इतना क्रांतिकारी फैसला लिया है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, एक झटके में सारे राइडर सारी शर्तें खत्म कर दी, सिर्फ एक शर्त रखी जो 8 लाख से जो आय की सीमा थी, उसके अलावा सारी जो भी शर्तें थी उनको हटा दिया गया। और उसका इतना सकारात्मक संदेश गया, आम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है, सवर्ण जातियों में, उन लोगों के सर्टिफिकेट बनने लगे, उनको भी आरक्षण की उम्मीद जगी। तो सही मायने में नीयत किसकी साफ है ये लोगों को समझ में आ गया। एक आरक्षण देने का फैसला करते हैं बीजेपी वाले लोकसभा के पहले, और शर्तें लगा देते हैं, शर्तों की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे बनेंगे, सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक झटके में सारी शर्तें हटा दी। शर्तें हटाने से आम आदमी की उम्मीद जगी, अब मेरे को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो राजस्थान में बहुत अच्छा संदेश गया इसका। और ये परिणाम जो है, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। जो लोग टोल को लेके और कोई मामलों को लेके आंदोलन करने की बात कर रहे थे जगह जगह, उन लोगों को सबक सिखाया राजस्थान की जनता ने कि आप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, पैम्पलेट बांट रहे हो, धारा 370 के पैम्पलेट बांट रहे हो, राम मंदिर के पैम्पलेट बांट रहे हो, अरे भाई धंधा बना लिया आपने इन मुद्दों को लेके। आपने जो वायदे किए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की सरकार बनाने से पहले, वो वायदे आपने पूरे किए नहीं, दोबारा सरकार बना ली यही मुद्दों के आधार पर। अब कब तक आप गैर मुद्दों पे सरकार बनाते रहोगे? आदमी को पेट में रोटी चाहिए, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही देश की, और जिस तरह के हालात बन गए हैं, महंगाई सातवें आसमान पे है और रोजगार छीन रहे हैं लोगों के, आम आदमी को पेट में रोटी चाहिए। और वो रोटी देने में नाकामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनका कोई भी नारा अब चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए, बीजेपी एक्सपोज हो गई, और ये जिस तरह की बातें कर रहे थे बीजेपी के लोग, लोगों ने सिरे से नकार दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव देखो आप, हरियाणा के चुनाव देखो आप, देश में जितने बाई इलेक्शन हुए बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। अब ये क्या कर रहे हैं, रात के अंधेरे में सरकार बनाने के षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आप षड्यंत्र पूर्वक रात के अंधेरे में सरकारें बना रहे हो तो लोग समझ गए इनकी नीयत क्या है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं इस देश में, और लोग आम जनता, लोकतंत्र अगर जीवित रहेगा तभी जनता की सुनवाई होगी, और लोकतंत्र जीवित रहेगा इस देश में। आज संविधान दिवस है, लोगों ने जो शानदार फैसला किया है वो जनता के सामने है, वो बीजेपी के सामने है। इसलिए पब्लिक माई बाप है लोकतंत्र में, अगर आप लोगों के हित में काम नहीं करोगे तो लोग आपको नकारेंगे भी। ये सातवें आसमान पे था इनका घमंड, लोकसभा में 25 सीट जीत गए, 300 पार चले गए, अभी लोगों ने देने में कमी नहीं रखी बीजेपी को। आपने बदले में आम आदमी के हित में क्या फैसले किए, जनता को क्या दिया, अब ये भी तो सवाल है। भाजपा का एक मिथ भी था कि शहर में उसका वोट बैंक बड़ा मजबूत है, वो मिथ टूटा है? और साथ में क्या लगता है, 11 महीनों का जो कामकाज है सरकार का, जनता ने उसके साथ जाके वोट दिया है, बनिस्पत राम मंदिर का फैसला हो या जो दूसरे मुद्दे हो जो भाजपा लेकर आई थी? देखिए, राम मंदिर, भगवान राम तो सबके हैं, पिछले कितने सालों से इन मुद्दों पे ये लोग राजनीति करते आ रहे हैं, सांप्रदायिक स्वार्थ के वातावरण को बिगाड़ के राजनीति कर रहे हैं, कभी धारा 370 के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे।
जनता तंग आ चुकी है, एक्सपोज हो गई बीजेपी कि इनके पास गिनाने को उपलब्धियां कुछ नहीं है। लोगों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाओ जिससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आए, जीडीपी जो गिर रहा है वो संभले। आज हालात इतने खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि सरकार इनसे चल नहीं रही है, फेल हो गई है भारत सरकार। अब ऐसी स्थिति में ये लिख के ले ले बीजेपी, किसी मुगालते में मत रहो। लोकतंत्र की परिभाषा बीजेपी नहीं लिख सकती, वो देश की जनता लिखेगी। अब इस देश में जो भी चुनाव होंगे वो ये मेरिट पे होंगे कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है जनता के हित में। हमने जनता के हित में काम किए हैं, जनता ने मोहर लगाई बाय इलेक्शन में, बीजेपी से हमने सीट छीनी है। जिस सीट को बीजेपी ने जीता था उस सीट को 33,700 वोटों से कांग्रेस ने जीता है, और जहां 54,000 से हम हारे थे खींसर में वो मात्र 4600 पे रह गई लीड। तो ये अलार्मिंग साइन है बीजेपी के लिए। कई गढ़ भी आपने तोड़े हैं, जैसे हनुमानगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, पिलानी में निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत के आए थे लेकिन कांग्रेस का वहां पे प्रमुख बन रहा है। तो कई जगह सेंध लगाने में आपके आपकी टीम, आपके नेता, आपके कार्यकर्ताओं की बड़ी अहम भूमिका रही है। देखिए, लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है, लोगों ने तुलना कर ली। दो बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना दी, यहां राज्यों में सरकार बन चुकी। जब कांग्रेस आती है तभी कल्याणकारी फैसले होते हैं, तभी आम जनता की सुध ली जाती है। आज हर क्षेत्र में इनकी सरकार की हमारी सरकार से तुलना करोगे तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। ये लच्छेदार भाषण देते हैं, अब भाषण से पेट नहीं भरता है, पेट में तो रोटी चाहिए, और वो आपके फैसले से रोटी जाएगी गरीब आदमी के। रोजगार भी तभी मिलेगा, उद्योग धंधे भी तभी जीवित रहेंगे। जब उद्योग धंधे मर रहे हैं तो रोजगार कहां से दोगे आप? इसलिए बीजेपी सुशासन देने में, अच्छी सरकार चलाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है, और पब्लिक ने तय कर लिया है कि हम चुनेंगे उसे जो हमारे हित में फैसला करेगा, और वो उसी का परिणाम है ये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की थी कि आप कड़ी से कड़ी जोड़िए। अब कड़ी से कड़ी जब जुड़ रही है तो आपकी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब और बढ़ जाती है, लोगों के प्रति आपके जो कमिटमेंट है उसमें और अधिक ताकत दिखानी पड़ेगी आपको। देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। जिस दिन जनादेश दिया राजस्थान में, सरकार बनाई राजस्थान के लोगों ने, उसी दिन से हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, और हम लोकतंत्र में विनम्रता पूर्वक जनादेश का स्वीकार भी करते हैं। फिर लोकसभा में 25 सीटों पर हम हार गए, हम उस हार को भी हमने स्वीकार किया है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें बनती क्यों हैं? अगर आप जो बात कहते हो चुनाव से पहले, आपकी कथनी और करनी में एक रूपता होना चाहिए। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है कभी भी, हम जो कहते हैं हम उसको करके दिखाते हैं। तो इन लोगों ने इस फर्क को महसूस किया है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, चाहे पंचायत के चुनाव हो, बचे हुए स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। इनकी वायदा खिलाफी सामने आ चुकी है, क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था नहीं होगी देश चलेगा कैसे? रोजगार नहीं होगा देश चलेगा कैसे? महंगाई कम नहीं होगी गरीब का पेट भरेगा कैसे? ये ज्वलंत प्रश्न है आम जनता के सामने। सवाल राजस्थान के लोगों का नहीं है, पूरे देश में आम आदमी ने महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी धोखा है, ये सिर्फ बातें ही बातें करते हैं लच्छेदार, और भाषण से पेट नहीं भरता, मैं बार बार कहता हूं। और जिस तरह से रात के अंधेरे में सरकार बनाने का गोरख धंधा इन्होंने शुरू किया है, षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र भी धराशायी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। गोवा में आपने खरीद फरोख्त की, कर्नाटक में खरीद फरोख्त की, अरुणाचल में खरीद फरोख्त, उत्तराखंड में खरीद फरोख्त, क्या इस देश के लोकतंत्र को आप बंदूक की नोक पे चलाना चाहते हो? काम कुछ करना नहीं चाहते? तो लोग तंग आ चुके हैं पूरे देश में। आप देखेंगे अब जहां जहां चुनाव होगा बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। कल महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, फ्लोर टेस्ट का दिन है, क्या लगता है आपको बहुमत का आंकड़ा है तीनों दलों के पास? 162 विधायक सामने खड़े हैं, आप आंख मूंद के कैसे चल सकते हो? राज्यपालों के भरोसे सरकार बना रहे हो आप, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हो आप, लोकतंत्र का उपवास उड़ा रहे हो, ये तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हो देश को? हिटलर जो हम कहते ना कि ये हिटलर शाही पे उतर आई है बीजेपी, तो इसके खिलाफ तो संघर्ष होगा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। और पूरा विपक्ष साथ में आ रहा है क्या, जो आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं आप? बिल्कुल, पूरे देश में आंदोलन होगा, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, अभी जैसे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में, इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए जो भी हमारे वैचारिक रूप से जो लोग, जिनसे हमारी विचारधारा
मिलती जुलती है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके हटाएंगे इनको। क्या पंचायत चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से ईडब्ल्यूएस जैसा कोई और मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलेगा? ये मुख्यमंत्री जी तो जननायक है, निरंतर जनहित के फैसले लेते रहते हैं। और मैं आज कह रहा हूं आपको कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी इन्होंने शानदार फैसले लिए, दूसरी बार सीएम बने तब भी शानदार फैसले लिए। ये भारतीय जनता पार्टी बहका देती है आम जनता को। अब लोगों को एहसास हो रहा है कि जनता के हक में काम करने वाला मुख्यमंत्री कौन सा है। ये गुमराह करने वाले लोगों से सावधान हो गई है राजस्थान की जनता। सतीश पूनिया जी के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है अध्यक्षीय कार्यकाल की, वो तो नकारात्मक राजनीति की उपज है। मैंने पहले भी कहा वसुंधरा जी को ठिकाने लगाना था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, तो इनको पकड़ा दिया कि तुम। और इनका काम क्या दिया इनको? सिर्फ मुख्यमंत्री को गाली देना, कांग्रेस को गाली देना। अरे भाई, आप अपने प्रधानमंत्री से जाके निवेदन करो कि लोगों के पेट में रोटी कैसे पहुंचे, रोजगार कैसे मिले, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। सिर्फ आपको गाली देने में एक भोंपू के रूप में बैठा दिया है यहां, और वो भी नकारात्मक राजनीति के तहत। जो भी फैसले राजस्थान में हुए हैं अभी जो लोकसभा के चुनाव होने के बाद, वो सब इनकी पार्टी के अंदर वर्टिकल डिवीजन हुआ है, उसका परिलक्षण है, उसका रिफ्लेक्शन है। अब वसुंधरा जी को ठिकाने लगाने की राजनीति के तहत आप सतीश पूनिया जी को अध्यक्ष बना रहे हो, केंद्र में मंत्री बना रहे हो, और भी कुछ फैसले ले रहे हो, तो उस राजनीति में आपका काम ही सिर्फ यही है कि गाली देना और कोसना। अगर वो करें तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, हम करें तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, ये क्या है? बिल्कुल पूजा, डॉक्टर रघु शर्मा कई सारे मुद्दों पे बात करते हुए और निश्चित तौर पे बेहद उत्साहित भी हैं जो परिणाम जनता ने दिया है, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद जब पंचायत चुनाव आएंगे तो उससे पहले भी कोई ईडब्ल्यूएस जैसा एक और मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन बड़ा बयान ये कि जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो जिम्मेदारी दी है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस सरकार अपनी कार्य क्षमता को और बढ़ाएगी, जनता की सेवा के प्रति जो अपना कमिटमेंट है उसको और अधिक मजबूत बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशांत आपका। तो हमारे साथ